नमस्कार कैसे हैं आप वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक आज आपको बताऊंगी कि बबूल के वृक्ष का पंचांग यूज करने से प्रयोग करने से दांतों की पीड़ा कैसे दूर होती है तो चलते हैं हम बबूल से दांतों की पीड़ा कैसे दूर करें इसकी और बबूल की फली जो फलियां लटकी हुई होती हैं बबूल में उसका छिलका और बादाम के छिलके इनको जलाकर राख कर लें और नमक मिलाकर मंजन करें तो दांतों का पुराने से पुराना रोग उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती है दूसरा है बबूल की कोमल टहनी की दातुन करें तो भी दांत निरोग और मजबूत होते हैं। तीसरा है बबूल की छाल पत्ते फूल और फलिया बराबर बराबर मात्रा में ले लें यानी कि दस दस ग्राम सभी इकट्ठा कर लें मिलाकर उसको पीसें कपड़े में छानकर चूर्ण बनाएं और उसका मंजन करने से दांतों के बहुत सारे कष्ट बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं पायोरिया भी नहीं होता अब देखिए चौथा प्रयोग इसकी छाल का काढ़ा बनाएं और काढ़ा बनाने से कुल्ला करें उससे फिर कुल्ला करेंगे तो दांतों में जो सड़न बदबू या मसूड़ों का ढीलापन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब काढ़ा कैसे बनाएंगे इसकी साल को जौकुट करेंगे और चार ग्लास पानी में लगभग चार चम्मच छाल डालेंगे काढ़ा बन जाएगा तब तो उसको छानेंगे हर का कुन कुना और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं डालकर उससे कुल्ला करेंगे तो दांतों की सड़न सारी दंत पीड़ा समाप्त हो जाएगी आज की श्रृंखला में इतना ही कल फिर मिलते हैं किसी नए आयाम के साथ धन्यवाद स्वस्थ रहें प्रसन्न रहे मुस्कुराते रहे और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें